आदाब दोस्तों, निधि शर्मा। जी हाँ, आप लोगों की प्यारी निधि शर्मा। कई वीडियोस बना चुका हूँ वैसे तो मैं पहले ही उस पर, आप लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अब बात कर लेते हैं, हमने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि अगर उसकी कोई मजबूरी हो गया फिर क्या वजह रही है, उसको हम अपडेट आपको जरूर देंगे अगली वीडियो में। तो मैं उसी की अपडेट देने के लिए आया हूँ आपसे। बिल्कुल कन्फर्म हो गया है कि क्यों निधि शर्मा ने अपना कंटेंट बदला, क्यों वो एक तरह से मुस्लिम विरोधी बनी, या फिर क्यों उसने इस्लामिक वीडियोज़ पर रिएक्शन करना बंद किया। दरअसल देखिए, निधि शर्मा की कोई मजबूरी नहीं है, मैं साफ तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी मजबूरी नहीं है, सारा कुछ राजी से काम हुआ है। और जो सबसे बड़ी वजह है, विद प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हमारा जो देश है इंडिया, और जो इस्लामिक वीडियोज़ होती हैं, यहाँ पर इस्लामिक वीडियोज़ नहीं, अगर इंडिया में कोई भी वीडियो है उस पर यूट्यूब बहुत कम पैसे देता है, बहुत कम। जो ये बाकी कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप, यूक्रेन, फ्रांस वगैरह, जो इधर की साइड की अंग्रेजी कंट्रियाँ हैं, इन वीडियोज़ पर बहुत ज़्यादा पैसा देती है। एक तरह से मैं आपको एवरेज बता देता हूँ, अगर आपकी इंडिया में किसी वीडियो पर व्यूज़ आते हैं 1000, तो उस पर यूट्यूब आपको देगा 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। लेकिन अगर आप अमेरिका, यूक्रेन, फ्रांस या फिर इधर साइड के जो अंग्रेजी देश हैं, इनकी वीडियोज़ पर आप रिएक्शन करते हैं और वो वीडियो आपकी 1000 पर चली जाती है, तो उस पर आपको यूट्यूब पैसे देता है 150, 200, 300। तो कितना बड़ा फ़र्क है, देखिए 10, 20, 30, 150, 200, 250, 300, 400, 500 तक भी देता है, इतना बड़ा फ़र्क है। तो निधि शर्मा काफ़ी दिन से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई थी एक तरह से, क्योंकि अगर उसको इस्लाम से इतनी ही मोहब्बत थी तो मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ, इस्लाम कबूल कर लेती। जिस इंसान को मोहब्बत होती है इस्लाम से, वो गाकर नहीं दिखाता कि भाई मुझे मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत है, वो पहले इस्लाम कबूल करता है, उसके बाद उसके बारे में वो उसकी अच्छाइयों को बयान करता है। देखिए, आप लोगों ने 2 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दिए उसके, 2 मिलियन से ज़्यादा करवा दिए निधि शर्मा के। क्यों? कि वो एक गैर मुस्लिम होकर तारीफ कर रही थी इस्लाम की, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं तारीफ करता हूँ, मुझसे ज़्यादा तारीफ थोड़ी कर लेगी भाई, वो जुबान से करती है, मैं दिल से करता हूँ, मेरे करवा दो 2 मिलियन, आप लोग नहीं करवा सकते ना। तो मैं आपसे सब्सक्राइब नहीं मांग रहा, मैं तो आपको एक बात एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। तो अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई उसकी मजबूरी थी, आपको क्या पता, ये है वो है, वो बहुत अच्छी थी, वो दिल की ऐसी थी, वो ऐसी हो ही नहीं सकती। तो मेरे भाइयों, इन बातों में कुछ नहीं है, आजकल वो वाला सिस्टम है कि बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, लोग पैसे की तरफ जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पैसा दिखता है उधर ही जाएंगे, चाहे उनको फिर कुछ भी करना पड़े। पैसा ज़्यादा कहाँ पे है? अंग्रेजी वीडियोस में। अगर कोई मजबूरी होती तो इतने दिन हो गए भाई, वहाँ पे खूब हंस हंस के दूसरे चैनल पे वीडियो बना रही है, तो उसको वहाँ पे भी तो बता सकती थी, कोई जिक्र नहीं किया उसने, सलाम वालेकुम करना छोड़ दिया। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ साफ तौर पर, जो निधि शर्मा है उसको कोई इस्लाम से मोहब्बत नहीं है। आप लोग जो ये सोचते हो कि उसको भाई इस्लाम से मोहब्बत है, कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही उसकी कोई मजबूरी है। आप ये मत देखो कि उसकी मजबूरी है। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उसका जो दूसरा चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप एज ए मुस्लिम सिर्फ इस वजह से उसके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि भाई ये लड़की अच्छी है, इसका दिल अच्छा है, पहले हमारे उसको ये वो किया करती थी, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। जाके सीधे तौर पर चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, उसके को कुछ नहीं है उसके चैनल में। एक तरह से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और आपसे करोड़ों रुपये कमाए गए आपके झूठी तारीफ करके। आपने उसको एड्स दिलाए, उसको पैसे कमाने का जरिया आप लोग बने, लेकिन जब उसको लगा कि यहाँ तक पैसे कम बन रहे हैं, छोड़ दिया। देख लो बाकी आपको क्या लगता है, आप क्या अभी भी उसकी यही कहेंगे भाई वो तो बहुत भोली है, आप उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो? तो भाई बता दो मुझे तभी भी।